Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. तो गाइस आज हम यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ही है जो हमारे शोएब भाई और एक अल्तमश भाई हमारे दोस्त है जिनके बकरे हम आए हैं यहाँ पे वीडियो कवर करने के लिए. तो अभी आइए हम लोग इनसे बात करेंगे. ये रहते हैं गजानन कॉलोनी के अंदर. जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी टाइम बताया हूँ, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आप लोगों को पता होगा कि शोएब भाई अल्तमश भाई दोनों यहाँ पे लोटा अपना गोवंडी गजानन कॉलोनी में रहते हैं और ये खुद बकरों की ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं. तो इनके पास अभी कुछ नया लॉट आया है जो कि सेल आउट के लिए इन्होंने निकाला है. तो बात करते हैं अल्तमश भाई से. नहीं, कौन देगा वॉइस, ये देंगे ना. तो शोएब भाई स्क्रीन पे नहीं आएंगे एक्चुअली, तो शोएब भाई से ही हम लोग बात करेंगे इनके डिटेल्स के बारे में. अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई. शोएब भाई, सॉरी मैं सोहेल बोल दिया, शोएब भाई. तो भाई बताएंगे इनकी डिटेल्स वगैरह क्या होगी. इसकी डिटेल, ये भी 5 महीने का बच्चा है. पाँच महीने का है. ओके. और ये ब्रीड है इसकी गुजरी में है ये. ओके. इसकी हाइट है 31 इंचेस. ओके. वेट इसका किया हुआ है, वेट 33 kg है. किए हो? हाँ, वेट किया है अभी, जस्ट किया. ओके. और इसका प्राइस, एक मिनट, वो पीछे वाला जो है वो भी सेल के लिए कोटा है. वो कोटा है. थोड़ा सा अल्तमश भाई. हाँ बस बस बस, ठीक है. तो ये भी अदंत है. ये भी अदंत है, 5 महीने का ही बच्चा, ज्यादा बड़ा नहीं है. 5 महीने का ही. 5 महीने का ही है. ओके. थोड़ा मस्ती को ऐसे बांध के रखे है. ठीक है, ठीक है. और इसका वेट वगैरह क्या होगा? इसका वेट लगभग होगा 27 किलो होगा. अट्ठाईस किलो इसका वेट. करे हो वेट किया हुआ इसका? 28 किलो वेट है. 28 kg इसका वेट है, राइट? 28 किलो पकड़ के चला, ऊपर नीचे होता ही थोड़ा बहुत. ठीक है, 27-28 किलो वेट है. और गलापट्टी झालर भी माशाल्लाह. उसको एक नया नजदीक से क्लोज लुक ले लेंगे. गुलाबी भी है ये, ठीक है. पूरा पिंक और मार्बल. पूरा पिंक नहीं है, हाफ पिंक हाफ ब्लैक ऐसा है. ठीक है, मार्बल फुल में. थोड़े फुल गंदी है, बाकी पूरा मार्बल फुल में. ठीक है. तो ये अच्छे, कान भी अच्छे हैं. तो आइए अभी इनसे रेट डिस्कस करेंगे इनका. ये गुजरी कितने का है और कोटा कितने में देने वाले हैं. तो शोएब भाई, सोहेल भाई, शोएब भाई, इनका रेट मुझे बताएंगे दोनों का कि आप क्या रेट में इनको एक सेल करने वाले हैं. गुजरी मुझे 14,000 में देना है. 14 में ये वाला में देना है. और वो कोटा? और कोटा मुझे 9,000 रुपये में देना है. नेगोशिएबल है? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने रेट ऑलरेडी कम ही रखा है. थोड़ा बहुत कम हो जाएगा इसमें. थोड़ा बहुत कम होगा. ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है. ट्रांसपोर्टेशन उनका रहेगा. ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो है जिनको लेना है वो देंगे. ठीक, ये देखिए. शोएब भाई जो है एक्चुअली जो शोएब भाई है इन्होंने ज़्यादातर ये जो है गुजरी वगैरह ही सेल आउट करते हैं. और मेन इनका जो है टारगेट जो है मेन अजमेरा और गुजरी का ही इनका जो है ये ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर. तो गाइस अगर मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई ज़्यादा इधर इंटरेस्ट है अजमेरा और गुजरी में तो शोएब भाई से कॉन्टेक्ट में रहे ताकि आप लोगों को ये ब्रीड अवेलेबल ईजीली होती रहे. अभी अपने को मतलब कभी भी कोई अपना सब्सक्राइबर है, आज ही में से एक सलीम भाई करके हमारे सब्सक्राइबर है, वो गुजरी के बारे में पूछ रहे थे. अगर उनको ये लॉट चाहिए हो तो आप अरेंज करवा दोगे? मतलब बड़ा लॉट, वो फार्मिंग का सेटअप कर रहे हैं. अरेंज हो जाएगा. अगर गुजरी में जैसा 10-15-20-50 जितने बकरे चाहिए वो आपको अवेलेबल करा. बट रेट में होना चाहिए, अच्छे रेट में. पट्टी के हिसाब से वो आते हैं. तो अगर सलीम भाई, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो शोएब भाई के कॉन्टेक्ट में आप एक बार इनसे बात करके देखना. गुजरी में मैंने आपको जैसे बताया, देखिए ये अदंत बच्चा है और आपको अगर इंटरेस्ट हो तो इनसे बात कर लीजिए. और भी दूसरे सब्सक्राइबर जो भी है अगर वो देख रहे हैं तो मेरा, अगर आप लोग गुजरी और अजमेरा में इंटरेस्ट है तो शोएब भाई इस चीज़ में देखा जाए तो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियो इनके अजमेरा और गुजरी के ही बनाए. ठीक है. और भी बच्चे हैं. कौन से अजमेरे हैं मेरे पास जो अभी अदंत पे है माशाल्लाह. गलापट्टी झालर बहुत ही बुक है ना, मेरे ख्याल से बहुत कम बकरों में वीडियो गए हैं किसी दूसरे. नहीं, वीडियो फिलहाल मैंने अभी फिलहाल तो उसको आके 3 दिन हुए. तो देखा, अगर कोई आता है कि मुझे मतलब बोलता है गुजरी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग बता देना उनको क्या करना है, कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो गाइस अगर किसी को इंटरेस्ट हो पर्सनली गुजरी और अजमेरा में तो स्पेशलिस्ट स्पेशल उसी में काम करते हैं, वही सी ब्रीड में ज़्यादातर.
तो आपको जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें, और इनके पास जो दूसरे और भी बकरे हैं ये बता रहे तो ये आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो भी जेन्युइन बायर है वही कॉल करें, बेकार में कोई भी ऐसे उठ के फ़ोन नहीं करे कि जो आपके पास एक्स्ट्रा दूसरे बकरे हैं वो आप सेंड करो, हम लोगों को देखना है, ऐसे नहीं। अगर आपको जेन्युइनली बाय करना है, लेना है, तो ही आपको बताए जाएंगे, वीडियो सेंड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे कि भेजो देखना है, फिर बताएंगे, अम्मी से पूछेंगे, अब्बा से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद अपना डिसीजन लेना और खुद अपने उस पर ही कॉल करना कि भाई लेना है, फाइनल लेना है तो ही फ़ोन करना, ठीक है। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ देवनार के लिए, थोड़ा सा देवनार में भी कुछ एक वीडियो कवर करना है, आयाज भाई का फ़ोन आया था, तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ देवनार में और मिलता तो अभी चलते हैं देवनार और देखते हैं देवनार के अंदर क्या देखने को मिलता है। आयाज भाई का फ़ोन आया था, उनके पास भी कुछ अच्छा लॉट आया हुआ है, तो जा रहा हूँ मैं अभी देवनार और मिलते हैं आपसे देवनार में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।